बैक अगेन, वी आर हियर और दिसंबर स्टार्ट हो चुका है और आज मतलब हमारे कुल की देवी कह सकते हो आप, या हमारे घर में जो पूजी जाती हैं वो, तो बेसिकली हम लोग जा रहे हैं बेलोन। और बेलोन जो है, बेलोन भवानी माता का मंदिर है, तो आज वहीं के दर्शन होंगे। और जैसी भी वीडियोस आ रही हैं, जो भी आ रही हैं, आई विश एंड आई होप कि आप सब वो देख रहे होंगे। और एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, कि अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो भी मेरी वीडियोज़ हैं उनको देखो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, ढेर सारा प्यार दो। तो चलो चलिए और आगे की जर्नी स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बाय बाय। जिस स्थान पर बेलोन भवानी माता का मंदिर स्थित है, इस गांव का नाम भी बेलोन है। और इस गांव का नाम बेलोन इसलिए पड़ा क्योंकि प्राचीन समय में यहां पर अत्यधिक मात्रा में बेल के वृक्ष पाए जाते थे। माँ बेलोन भवानी के यहाँ प्रादुर्भाव को लेकर एक जनश्रुति में पौराणिक दृष्टि से माँ बेलोन भवानी को साक्षात देवादिदेव महादेव की अर्धांगिनी माता पार्वती का स्वरूप माना जाता है। माँ बेलोन वाली विरासन में है, अर्थात मैया का एक पैर पाताल में है, और तमाम प्रयासों के बाद भी मैया की मूर्ति को हटाना दूर, वहाँ से हिलाया भी नहीं जा सकता। इनके प्रादुर्भाव का प्रसंग भी राजा दक्ष के यज्ञ में देवादिदेव महादेव की अवहेलना करने के पश्चात पिता के असहनीय व्यवहार से दुखी होकर माँ पार्वती द्वारा देह त्यागने और इससे कुपित महादेव के गुणों, यज्ञ विध्वंस की पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है। भगवान शिव और पार्वती एक बार पृथ्वी लोक के भ्रमण पर निकले। भ्रमण करते करते वह गंगा नदी के पश्चिमी छोर के पास स्थित बिल्वन क्षेत्र में आ पहुंचे, जो कि आज के समय में बेलोन के नाम से विख्यात है। प्राचीन काल में यह क्षेत्र बेल के वन से घिरा हुआ था, जिससे इसका नाम बिल्वन या बेलोन पड़ गया। यहाँ पर पार्वती मैया को एक शिला दिखाई दी, जिस पर वह बैठने के लिए काफ़ी ललाहित हुई, और भगवान शिव की इच्छा अनुसार वहाँ पर उनसे अनुमति मिलने के पश्चात वह शिला पर विराजमान हो गई। माँ पार्वती के विश्राम करने पर भगवान शिव भी पास ही एक वट वृक्ष पर आसन लगाकर बैठ गए। बताते हैं कि इसी के मध्य वहाँ एक बालक आया और वह शिला पर बैठकर आराम कर रही माता पार्वती के पैर दबाने लगा। यह देखकर माता पार्वती ने आनंद से आश्चर्य का मिश्रित भाव व्यक्त किया और भगवान महादेव से बोला कि महादेव, यह बालक कौन है और इस शिला पर बैठकर मैं इतनी आनंद से भाव विभोर क्यों हो रही हूँ। भगवान महादेव ने माता पार्वती को राजा दक्ष के यज्ञ प्रसंग का वृतांत सुनाते हुए कहा कि पार्वती, तत्पश्चात में तुम्हारी देह को लेकर आकाश मार्ग से गुजर रहा था, तब सती के शरीर से एक मांस का लोथड़ा और कुछ खून की बूंद जिस शिला पर पड़ी और इसके गर्भगृह में समा गई, यह बालक उसी का अंश है। यह बालक तभी से आपके दर्शन की इच्छा के साथ उपासना कर रहा था, आज तुम्हारे साक्षात दर्शन से इसकी उपासना पूरी हो गई। इस पर भाव विहल माँ पार्वती ने बालक को गोद में उठा लिया। वह इस बालक के साथ कुछ समय यहाँ रही। उसी समय भगवान शिव ने कहा कि आज से यह शिला साक्षात तुम्हारा स्वरूप होगा और माँ सर्वमंगला देवी के नाम से विख्यात होगा। जो भी व्यक्ति शुक्ल पक्ष की 12 अष्टमी तुम्हारे दर्शन करेगा, उसे मनवांछित फल प्राप्त होगा। यह बालक लांगुरिया के नाम से जाना जाएगा। इसके दर्शन से ही माँ सर्वमंगला देवी की यात्रा पूरी होगी। जब माता पार्वती यहाँ से चलने को हुई तो उनके शरीर से एक छायाकृति निकली और शिला में समा गई, जिससे शिला के मूर्ति के रूप में बदल गई। इसके लगभग 250 गज दूर यहाँ भगवान शिव ने विश्राम किया था। वह स्थान वटकेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुआ। यह प्रसंग सतयुग का है। बताते हैं कि द्वापर में राक्षसों के बढ़ते अत्याचार से लोग त्राही त्राही करने लगे। ब्रज से लगे कोल वर्तमान में अलीगढ़ क्षेत्र के कोल राक्षस ने आतंक बरपा रखा था। आसपास की प्रजा ने भगवान कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता बलदाऊ से कोल के आतंक से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। इसी के बाद बलराम ने कोल राक्षस को मार दिया। इससे क्षेत्र की प्रजा को काफ़ी राहत मिली। कोल का वध करने के बाद बलराम जी ने रामघाट पर गंगा में स्नान किया। इस दौरान उन्हें दैवीय शक्ति के प्रभाव की अनुभूति हुई। इसके सम्मोहन में बलराम विल्वन क्षेत्र में पहुंच गए। यहां देवी के दर्शन की इच्छा के साथ उन्होंने घोर तप किया और इससे प्रसन्न होकर माँ सर्वमंगला देवी ने उन्हें दर्शन दिए। देवी ने बलराम से कहा कि वह उनकी खंडित शक्ति को पूर्ण प्रतिष्ठित करें। इसके बाद बलराम ने माँ सर्वमंगला देवी के दर्शन को पूर्ण प्रतिष्ठित किया। जनश्रुति के अनुसार माँ सर्वमंगला देवी के दर्शन की अभिलाषा से बलराम ने चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी को तपस्या शुरू की और अगली चैत्र शुक्ल की अष्टमी को भी माँ ने उन्हें दर्शन देकर तपस्या का समापन कराया।
तभी से चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी को माँ सर्वमंगला देवी के दर्शन का विशेष महत्व माना जाता है। कालचक्र बदल रहा है, बदलते कालचक्र में क्षेत्र में भूसंकलन होने के नतीजे जन बेलों का बगीचा जमीन में समा गया और माँ सर्वमंगला देवी की जहाँ मूर्ति थी वह क्षेत्र टापू में बदल गया। इससे थोड़ी दूरी ही बसावच थी जिसे खेड़ा कहा जाता था। यह मूलतः घसियारों यानी कि घास खोदकर जीवन यापन करने वाले किसानों का परिवार रहता था। उस गांव का नाम खेड़ा था। घसियारे जब घास खोदने निकलते थे तो उसी स्थान पर एकत्रित होते थे जहां जमीन में माँ सर्वमंगला देवी की मूर्ति दबी हुई थी। मूर्ति के सिर का छोटा सा हिस्सा बाहर चमकता था। घसियारे इसी पत्थर की शिला पर बैठकर अपना खुरपी की धार बनाया करते थे। इससे माँ को काफ़ी पीड़ा होती थी। माँ के सिर पर खुरपी पर धार रखने के लिए जाने वाली घिसाई से एक गड्ढा हो गया जो आज भी विद्यमान है। बताते हैं कि एक बार जहांगीर शिकार खेलते हुए इसी बिलवन क्षेत्र में आ गया था। उसके सेनापति अनिराम बड़बूजर भी वहां पर आ पहुंचे। अचानक एक शेर ने जहांगीर पर आक्रमण कर दिया। जहांगीर को शेर से बचाने के लिए बड़बूजर ने अपनी जान की परवाह ना करके शेर को अपने हाथ से वहां पर मार डाला। पास ही खड़ा शहजादा खुर्रम यह घटना देख रहा था। वह सेनापति की जिंदादली से काफी प्रभावित हुआ। उसने सेनापति को संकट में फंसा देखकर अपनी तलवार से शेर पर पीछे से वार किया और उसे मार डाला। तो तू तो फिर पीछे आएगा ही आएगा। यार हमारे दर्शन हो चुके हैं और अब हम जा रहे हैं गंगा जी। कौन सी वाली गंगा जी वो जाकर बताएंगे, ठीक है। दर्शन हो चुके हैं और अंदर शूट करने का टाइम नहीं मिल पाता। मैं क्या करूँ, टाइम ही नहीं मिलता शूट करने का, टू बी ऑनेस्ट। बट पहली बार आई थी मैं हमारी कुलदेवी के मंदिर। जय भवानी माता, भवानी माता की जय। चुके और दर्शन करके हम गाँव से बाहर आ चुके हैं। दर्शन के बाद जी अब वक्त हो चला है अपने नेक्स्ट लोकेशन के लिए या फिर अपनी यात्रा के अगले पड़ाव की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो हम पहुंचते हैं अपने अगले स्थान पर, अगली लोकेशन पर और फिर चलकर आपको वहां से कनेक्ट करते हैं। तब तक के लिए बेलोन भवानी की जय। आज के समय में जो मंदिर विख्यात है बेलोन भवानी के नाम से, उस बेलोन भवानी के निर्माता और कोई नहीं अपितु राव भूप सिंह ही हैं और इसके पीछे भी एक अत्यंत रोचक दंतकथा है। मंदिर से जुड़ी संपूर्ण जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जय माता दी। तो जी आशा करते हैं आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। भवानी माता के बहुत अच्छे दर्शन हुए होंगे, गंगा मैया का निर्मल जल देखने के लिए मिला होगा और मैं आशा ये करती हूँ कि आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे होंगे और अगर वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, कमेंट, शेयर और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में लिखे गंगे मैया की जय।
तो यार आज का दिन मेरा बहुत अच्छा रहा।